दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मैनाक, सिविल सेंटर कंसल्टेंट चैनल से, और आप सबके लिए लेके आया हूं और एक नया प्लान। आज का प्लान जो है वो है नॉट फ्रेशिंग। तो दोस्तों, सपनों के घर के एक फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉर्थ फेसिंग है। बेसिकली इसका जो रोड है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में एंड आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड ग्राउंड फ्लोर में आपका पूरा पार्किंग एरिया दिया गया है। ओनली आपका स्टेयरकेस है और बाकी ऊपर यहाँ पे दो यूनिट बनाया गया है दो ब्रदर्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। 1500 स्क्वायर फीट का लगभग ये प्लान है एंड इसके डायमेंशन लगभग 47.5 × 32.5 फीट हैं। तो इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लेके आते हैं आपके लिए एक नया नया प्लान रोज़, एंड आपको एक वास्तु टिप और एक इंजीनियरिंग टिप हर रोज़ बताते हैं। तो दोस्तों, आज के इस प्लान में आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राउंड फ्लोर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरा यहाँ पर पार्किंग है, ओनली आपका स्टेयरकेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री आपका देखिए, दो यूनिट यहाँ पे बना है, दो सेपरेट यूनिट बना है। दोनों यूनिट्स में आपका टू बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, एंड आपका एक टॉयलेट है, एंड एक आपका किचन है। तो ये चीज़ कॉमन है। तो हम लोग पहले वास्तु के प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले राइट साइड वाला एलिमेंट में देखते हैं। तो राइट साइड वाले एलिमेंट में देख सकते हैं लगभग 8 फीट × 15 फीट 9 इंच, यानी कि लगभग 8 फीट × 16 फीट अराउंड यहाँ पे आपका लिविंग रूम, लिविंग कम डाइनिंग दिया गया है। और क्योंकि लिविंग कम डाइनिंग है, या इधर आपका किचन भी है, तो जो किचन का डायरेक्शन है आप देख सकते हैं। इस यूनिट को आप सेपरेट अगर कंसीडर करें तो किचन का डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट, यानी कि इस यूनिट के अग्निकोण में है, जो कि वास्तु के हिसाब से सही है। एंड आपका टॉयलेट साउथ की तरफ है, यहाँ पे टॉयलेट भी आपका ओके पोजिशन पे है। एंड आपका ये जो बेडरूम है आप देख सकते हैं, बेडरूम आपका साउथ वेस्ट पोजिशन पे है। तो दोस्तों, अगर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट पोजीशन पर रहता है तो ये जो घर के मुखिया होते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी अगर आपका बेडरूम, अगर साउथ वेस्ट वाला बेडरूम अगर छोटा भी होता है, तब भी घर का जो हेड है उनको साउथ वेस्ट वाला बेडरूम लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उससे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, थॉट्स एंड डिसीजंस आप अच्छे से ले पाते हो। तो यहाँ पे आप आओगे, इस बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 6 इंच × 14 फीट 8 इंच। टॉयलेट का साइज भी 6 फीट × 8 फीट है, जो कि काफ़ी सही साइज़ है। किचन का साइज़ लगभग 7 फीट × 12 फीट है। ये आपके अप्रोक्सीमेट साइजेस हैं किचन के। एंड किचन के साथ साथ यहाँ पे और एक आपका बेडरूम है, जिसके साथ आपका अटैच बेल्कनी है। लगभग यहाँ पे 10 फीट × 15 फीट का आपका बेडरूम है, जिसमें आपको 3 फीट का एक बेल्कनी भी मिल जाएगा। तो इस रूम को अगर आप यूज़ कर, मतलब इस यूनिट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इधर आपका ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट में जो आपका बेडरूम है, इसको आप बच्चों के रूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका सन के फर्स्ट रेज आते हैं। एंड बच्चों के लिए ये पोजीशन और ये बेडरूम का पोजीशन आपका अच्छा रहता है, तो ये पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के रूम के लिए। और यहाँ पे जो हेड है, पेरेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड वाले यूनिट पे। तो लेफ्ट साइड वाले यूनिट में अभी हम लोग देखेंगे इसका जो लेफ्ट साइड वाले यूनिट का जो अग्नि कोण है, इधर आपका किचन है, साइज़ लगभग सेम है 6 फीट × 9 फीट, एंड टॉयलेट का साइज़ भी 5 फीट × 9 फीट है लगभग। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बेडरूम है 10 फीट × 12 फीट 5 इंचेस, और ऊपर वाला जो बेडरूम है यहाँ पे भी 10 फीट × 15 फीट। तो देख सकते हैं यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में, इस यूनिट के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ये वाला बेडरूम है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपका ये वाला बेडरूम है, जिसका साइज़ ज़्यादा है। तो इस केस में भी जो घर का मुखिया होगा उसको यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर के जो बेडरूम में है उसमें रिसाइड करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग एरिया देखिए, लिविंग एरिया तो काफ़ी स्पेशियस आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाता है, 9 फीट × 15 फीट 9 इंच का, जो कि किचन के पास है। तो दोस्तों, ये अब जो आपका बिल्डिंग प्लान है, ये दोनों दो भाइयों के लिए आपका सूटेबल बैठता है, एंड टू ब्रदर्स एलोंग विद देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन यहाँ पे आराम से यहाँ पे रिसाइड कर सकते हैं। तो वास्तु के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टॉयलेट का, बेडरूम का, मास्टर बेडरूम, किचन का, सबका वास्तु ठीक है। एंड अब लिविंग रूम का भी आप देखेंगे तो लिविंग रूम का भी नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो कि वास्तु के हिसाब से ओके है। एंड बाकी एक चीज़ है जो आपका वास्तु के हिसाब से यहाँ पे फिट बैठ नहीं रहा है, वो है आपका स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस आपका जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ में है,
आपका स्टेयरकेस माना जाता है कि बिल्डिंग का एक हैवी एलिमेंट होता है जिसको साउथ या वेस्ट में रखना चाहिए। बट यहाँ पे जैसा रूम का अरेंजमेंट चाहिए था इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए एक ये स्टेयरकेस के पोजिशन पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बट बाकी सारा चीज़ यहाँ पे सही है स्टेयरकेस के। जैसे कि यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी आप देखेंगे वो भी आप ठीक है। तो ऐसा ये प्लान रखा गया है, जैसे कि मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास हर हर समय लिमिटेड स्पेस रहता है, तो वो हमारे क्लाइंट या जो भी यूज़र हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपका रूम चाहते हैं, कैसा बेडरूम चाहते हैं। हमारा तो काम है सजेशन देना एंड उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान उनके लिए बना के देना। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उससे पहले हम लोग देंगे आपको एक वास्तु टिप। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लिविंग रूम है, लिविंग रूम में काफ़ी सारे लोग पेंटिंग्स लगाते हैं, तो हमको आमतौर पे पता नहीं रहता किस टाइप के पेंटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक सैड टाइप का पेंटिंग है, तो ये सब सैड पेंटिंग आपको लिविंग रूम में अवॉइड करना है, क्योंकि लिविंग रूम में आपका इसके द्वारा आपका नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हो सकता है। तो आप लिविंग रूम में ये सब जो सैड पिक्चर्स है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप कोई यहाँ पे नेचुरल सीनरी या ऐसे कोई आपका दृश्य लगा सकते हैं जो कि आपका देखने से सूदिंग एक्सपीरियंस आए, जैसे कि कोई नेचुरल सीनरी या कोई भी अच्छा पेंटिंग लगा सकते हैं। और पेंटिंग से ही और दूसरा चीज़ याद आया कि बहुत लोग बेडरूम में जो है अपने बेडरूम में आपका कोई भगवान का या कोई भी अपने आराध्य का फोटो या मूर्ति रखते हैं, तो बेडरूम में बिल्कुल यहाँ पे कोई फोटो या मूर्ति नहीं रखना चाहिए अपने आराध्य का। उससे आपका वास्तु दोष हो सकता है, बहुत भयंकर वास्तु दोष हो सकता है, बट हम लोग जाने अनजाने में वो चीज़ रख देते हैं। तो दोस्तों यही था आज के लिए वास्तु टिप। तो आज हम लोग मूव ऑन करेंगे आपके इंजीनियरिंग टिप पे। तो इंजीनियरिंग टिप आपके लिए है आज का लिफ्ट के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा लिफ्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग अगर G+2 से ज़्यादा होता है, आमतौर पर हम लोग अभी लिफ्ट का यूज़ करते हैं, 3 मंजिल से ज़्यादा हो गया तो लिफ्ट में आपका जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को जो प्लानिंग करने देंगे, उससे पहले आप लिफ्ट वाले से कोई कोई भी 2-3 कंपनी से कनेक्ट करके कौन सा लिफ्ट लगाएंगे वो फाइनल कर लीजिए, क्योंकि हर लिफ्ट का साइजेस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लिफ्ट पिट है, तो लिफ्ट के नीचे जो आपके वायर जाते हैं वो इस लिफ्ट पिट में आपके रेस्ट करते हैं। तो 4 फिट से 5 फिट जनरली इसका हाइट होता है लिफ्ट पिट का। चारों तरफ आपके कंक्रीट के वॉल्स होते हैं, ये जो हिस्सा ये आपको ज़मीन के नीचे रहता है, तो इसका भी साइज वेरी करता है एंड ये आपका लेंथ एंड विड्थ ये सब भी वेरी करता है। तो आप सही से पता कर लीजिए कौन सा लिफ्ट आपको लगाना है, उसी के हिसाब से जो आर्किटेक्ट है वो प्लान करेगा एंड जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाएगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन में कोई कोई आपका बाद में बाधा नहीं आएगा। नहीं तो आमतौर पे ऐसा होता है, अगर ये डिसाइडेड नहीं रहता है तो बाद में आपका कुछ कटिंग या ब्रेकिंग करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है आपको अगर सही से आपका नहीं जाए। तो दोस्तों यही था आज का हम लोग का वास्तु टिप, इंजीनियरिंग टिप और ये आपका प्लान का डिस्क्रिप्शन। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज हो सकता है इस प्लान से कोई ना कोई उनको आइडिया या टिप मिल जाए जिससे वो अपना सपनों का घर बना सके। तो इसी सोच के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।